जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेद प्रकाश। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा कर रहे हैं पटना में बीजेपी की रणनीति पे, दलित रणनीति पे। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, जिस तरह बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को दलित बताकर उम्मीदवार घोषित किया, क्या उसी तरह केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को कैटेगरी बताकर मंत्री बनाया गया? अगर नहीं तो दलितों के साथ ये धोखा क्यों? इसी पर चर्चा में आज हैं हमारे साथ अमर आजाद, भीम आर्मी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं और बहुत सक्रिय हैं दलित मुद्दों पर, दलित छात्रों के लिए काफी संघर्ष करते हैं। और हमारे पैनल में अगले पैनलिस्ट हैं सरोज कुमार रॉय, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। अगले पैनलिस्ट हैं ओम सुधा, पत्रकारिता के क्षेत्र में तो सक्रिय हैं ही, सामाजिक मुद्दों पर भी वो काफी सक्रिय रहते हैं। और हमारे आखिरी और चौथे पैनलिस्ट हैं चंद्र भानु यादव, इनसे आप वाकिफ होंगे सोशल मीडिया में अगर आप हैं। जिस तरह रामनाथ कोविंद को दलित बताकर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भाजपा ने बनाया, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री में कितने मंत्रियों की कैटेगरी बताकर मंत्री बनाया गया? चंद्रभानु जी, क्या ये भाजपा की ये कौन सी धुरतई या रणनीति है? केंद्रीय कैबिनेट में 90% वित्त जो है ब्राह्मण मंत्रियों के हवाले कर दिया गया है, 3% आबादी को 90% आधिपत्य दे दिया गया। ये काफी घृणित था, तो घृणित या आपराधिक कार्य को जो ढोल बजा के तो करेंगे नहीं। और रामनाथ कोविंद को उन्होंने दलित बता के किया है, तो वो ये मान रहे हैं कि भाई हमने जो है बाकी आबादियों के लिए काफी कम स्पेस छोड़ा है, तो वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम थोड़ा बहुत उनको भी प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, उनको भी हम स्पेस दे रहे हैं। भानु जी का कहना है कि भाजपा ने रामनाथ कोविंद को दलित बता के ये एहसास दिलाने का काम किया है दलितों को कि हम दलितों को भी भागीदारी दे रहे हैं। तो आइए वो डॉक्टर ओम सुधा से जानते हैं कि केंद्र में कितने दलित कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि दलितों की आबादी हमारे देश में 20 से 25% है, तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री में उनकी हिस्सेदारी कितनी है? जैसा कि अभी हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे चंद्रभानु जी, जिनकी आबादी देश में 3% है, उनकी हिस्सेदारी सेंट्रल कैबिनेट में 90% है। ये देखिए कितना हास्यास्पद और शर्मनाक है। भाजपा लगातार जो चुनाव कैंपेन के दौरान, चुनाव के दौरान और अभी राष्ट्र, सवाल हमारा है कि कितने कैबिनेट मंत्री दलित? 90% से ज्यादा है। दलित कितने दलित? दलित तो है ही नहीं, दलित मंत्री थावरचंद गहलोत, रामविलास पासवान और कोई नाम मेरे, और कोई नहीं। कैबिनेट में सिर्फ दो मंत्री है, थावरचंद गहलोत और रामविलास पासवान। नहीं, हम सरोज के पास आते हैं और सरोज से जानना चाहते हैं कि ये जिस तरह से बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को दलित बताकर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया, ये कौन सी राजनीति है? अगर राष्ट्रपति पद के लिए अगर कैटेगरी बताई गई है तो मंत्री बनाने समय कैटेगरी क्यों नहीं बताई गई? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के लिए कैटेगरी बताई गई थी कि नरेंद्र मोदी अति पिछड़ी जाति के हैं, लेकिन बाकी जो मंत्री हैं, शीर्ष के मंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्रालय जिनके जिम्मे हैं, उनकी जाति क्यों नहीं बताई गई? देखिए, इसमें हमेशा बीजेपी का एक चाल रहा है शुरू से ही, आज तक कभी ये जब वोट लेना हुआ है अपने 2 से 3% वाले को मिलकर के ये सरकार चलाते, उन्हीं के दिमाग से ये सरकार चलता है, ये सरकार किसी और से नहीं चलता है। हमेशा इसमें जितने भी हैं ऊपर से नीचे तक आला अधिकारी से लेकर के सब एकदम ब्राह्मण है, और बाद बाकी जो दलित और बहुजन का वोट सबसे ज्यादा है। तो जब पूरा देश में वोट लेना होता है तो प्रधानमंत्री का चेहरा आगे कर दिया जाता है कि कोई बहुजन समुदाय से आते हैं, जब पूरा देश। अमर आजाद, आप बताइए कि ये जो कैटेगरी बताना, ठीक है हमको इसको, हम इसे सकारात्मक रूप में भी लेते हैं कि आप राष्ट्रपति बनाने समय या उसकी उम्मीदवारी के समय दलित का होने का जिक्र करते हैं उम्मीदवार के, तो कैबिनेट मंत्री जब बनाया गया था तब जाति का जिक्र या कैटेगरी का जिक्र क्यों नहीं किया? ये उनका एक हुआ है, प्रोपोगेंडा है कि जैसे सेंट्रल मिनिस्ट्री में अन्य ब्राह्मणों को सिर्फ बनाया गया है, मैंने मंत्री बनाया गया, पर उनका कहीं जिक्र नहीं हुआ गया। तो वोट लेने की एक राजनीति है कि राष्ट्रपति का हम चुनाव करें तो दलित दलित का पूरा हल्ला बोल दिए हैं कि सारे दलित अट्रैक्ट हो, पर ऐसा कोई बात नहीं है, दलित उनसे अट्रैक्ट नहीं है, सभी इंटेलेक्चुअल दलित ये जान रहे हैं कि ये सिर्फ ये बीजेपी का हथकंडा है।
क्या ब्राह्मण मंत्री ही काबिल होते हैं? अगर बात करें रेल मंत्रालय की, तो लालू यादव के रीजन में रेल मंत्रालय में ना सिर्फ मुनाफा हुआ बल्कि दुर्घटनाओं में भी भारी कमी देखी गई। और लालू यादव ने जो आज नरेंद्र मोदी देसी की बात करते हैं, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मिट्टी का कुल्हड़ में चाय पिलाने की बात लालू यादव ने तब की थी। अब नरेंद्र मोदी के रीजन में, जो नरेंद्र मोदी की सरकार में सुरेश प्रभु रेल मंत्री हैं, उनके रीजन में किराया भी 14% बढ़ा और लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन दुर्घटनाएं उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। ब्राह्मण मंत्री ही बीजेपी के नजर में काबिल होते हैं, तो कहाँ है उनकी काबिलियत? रेल मंत्रालय से ही तुलना कर ली जाए। उनकी काबिलियत तो दिख ही रही है, अर्थव्यवस्था की नानी की मर गई है, रेल मंत्रालय का बलात्कार हो गया है, सारे देश की अर्थव्यवस्था जो बेकार हो गई है, सरकारी नौकरियां खत्म हो गई हैं, प्राइवेट नौकरियां खत्म हो गई हैं, लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई है, सबसे ज्यादा प्रभावी जो है वो व्यापारी वर्ग हैं, उनका बिजनेस खत्म हो गया है, वो घोर अमीरी से जो है गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, और मजे की बात यह है कि वो भाजपा के वोटर भी बने हुए हैं। अब हम सदा से बात करेंगे कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो रेल लॉस में नहीं जा रहा था, फायदे में था, ऐतिहासिक फायदे में था, वैसे उस तरह की प्रॉफिट रेलवे को कभी नहीं हुआ था। और आज दशा ये है कि रेलवे स्टेशन को बेचा जा रहा है। ये देखिए, ये जो भाजपा की सरकार है ये असल में देश विरोधी है, ये दूसरे को राष्ट्रद्रोही होने का सर्टिफिकेट देती है, लेकिन असल में पूरी ये जो पार्टी है इसका जो एजेंडा है ये देश के खिलाफ जाता है। आप देखिए कि किसान हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं, शिवराज चौहान जो भाजपा की सरकार है वहां देखिए कि किस तरह रोज हर दिन 15 दिन वो नहीं, बात ये हो रही है ओम सुधा जी, बात ये हो रही है कि कैटेगरी बताकर राष्ट्रपति की उम्मीदवारी बताई जाती है, तो कैटेगरी बताकर कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बनाया जाता? हम आखिरी बार एक एक बार सबसे राय लेंगे कि इस भाजपा की इस राजनीति को आप क्या कहेंगे, और आप अपने दलित वर्ग के लोग या बहुजन समाज के लोगों को किस प्रकार अवेयर करना चाहेंगे कि भाजपा आपकी आंखों में धूल झोंक के राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवारी के समय घोषणा की गई है कि दलित उम्मीदवार है, तो कैबिनेट मंत्री जो कि अहम होता है, जो निर्णय लेते हैं, महंगाई की बात हो या अन्य कोई सेवा की बात हो, तो वो मंत्रालय पे निर्भर करता है, जो कि सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय देश में ब्राह्मणों के जिम्मे है। उनकी जाति अगर भाजपा ने नहीं बताई तो हम बताते हैं उनकी जाति कि आप लिस्ट निकाल लीजिए कैबिनेट मंत्रालय के, जितने भी मंत्री हैं बड़े बड़े मंत्रालयों में, वो सारे मंत्री ब्राह्मण जाति के हैं, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, सुरेश प्रभु हो, नितिन गडकरी हो, प्रकाश जावड़ेकर हो, या बाकी और लिस्ट आप निकाल सकते हैं। अमर आजाद, आप अपने समाज को कैसे बता पाएंगे कि भाजपा किस तरह आपको धोखा दे रही? जिस तरह से देश के सारे संपदाओं पे 15% लोगों का कब्जा है, उसी तरह से ये चाहे यूपीए में भी आप देखेंगे, एनडीए में भी देखेंगे कि ज्यादातर ब्राह्मणों को ही मिनिस्ट्री दिया जाता है। मैं अपने लोगों को ये बताना चाहूंगा बहुजनों की, ज्यादा से ज्यादा आप राजनीतिक चेतना में आए और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से अपने लोगों को जागरूक करें। सरल शब्दों में आप कैसे अपने वर्ग को समझाएंगे, दलित बहुजन को समझाएंगे कि भाजपा ये धोखा कर रही है और दलित के नाम पर राष्ट्रपति की घोषणा अगर की जा रही है तो वो किस प्रकार भाजपा से ये सवाल करे कि कैबिनेट मंत्री की भी जाति भाजपा वाले बताएं? भाजपा वाले कैबिनेट मंत्री की शुरू से ही पता है सबको कि ब्राह्मणों की पार्टी है, तो इसमें कहीं से कोई किसी को कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन सबसे भारी हवा जो है अभी युवा वर्ग है, जो 60 साल के व्यक्ति के हवा अपने मुंह पे नकाब लगा लेता है और मोदी मोदी करते रहता है, जबकि युवा में कुछ खुद सोचने की शक्ति है, खुद शिक्षित है। ये ऐसा होना चाहिए, लोग खुद समझते हैं इस बात को कि वो किसकी पार्टी है, खुद वो गुमराह। चंद्र भानु जी, आखिरी बार बताएं कि आप कैसे बताएंगे अपने तबके को कि भाजपा का ये जो दोहरा चरित्र है उसको कैसे वो समझ पाएंगे? वो आज भी धोखे में, उनको लगता है मोदी विकास पुरुष है, ये सोशल मीडिया और टीवी प्रचार और टीवी की खबरों का असर है कि हमारे भोले भाले लोग भाजपा को कई बार दलित हितैषी समझ के वोट दे देते हैं, यही हुआ है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। ये धोखा नहीं है, चंद्रशेखर आजाद और सहारनपुर के चमारों ने सहारनपुर में तन गए वो लोग, और जो ये वर्षों का शोषण या वर्षों का अत्याचार को खत्म होने का जो परंपरा शुरू हुआ, तो भाजपा ने उस आक्रोश को दबाने के लिए एक दलित प्रेसिडेंट बना के हल्का सा उनको तुष्टीकरण करने का प्रयास किया है। ये भाजपा, चंद्र भानु जी का कहना है कि भाजपा ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, रामनाथ कोविंद को दलित उम्मीदवार बताकर या दलित के रूप में एक चेहरा आगे करके राष्ट्रपति पद के लिए। तो ओम सुधा जी, आखिरी बार आप इस बात को स्पष्ट कर दे कि ये जो दोहरा चरित्र है बीजेपी का,
कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के समय जाति बताई जाती है, लेकिन जब कैबिनेट में मंत्री बनाए जाते हैं तो उनकी जाति नहीं बताई जाती है। अगर उस समय उनकी जाति बताई जाती तो भाजपा का ये जो चरित्र दोहरा है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता। तो आप कैसे इस बात को समझा पाएंगे दलित बहुजन तबके के लोगों को कि ये भाजपा का धोखा है, इस धोखे में नहीं आना। जनता को पता है कि रोहित वेमुला के हत्यारे हैं ये, जो दलित प्रतिनिधि ला रहे हैं राष्ट्रपति पद के लिए। जनता को पता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने दलित जज जस्टिस कर्णन को जेल भेजा है। जनता को यह भी पता है कि चंद्रशेखर आजाद को जेल भेजने वाले यही लोग हैं, इसलिए जनता को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी जो दलित हैं वो खास करके उत्तर प्रदेश के दलित काफी जागरूक माने जाते हैं, उन्होंने भी बीजेपी को वोट किया और इस बहुमत की सरकार बना दी। देखिए, एक पुरानी कहावत है, पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है और फूटता भी है। ये भाजपा का जो घड़ा है ना, ये पाप का, ये भर चुका है और 2019 में फूट जाएगा। चलिए, ओम सुधा ने कहा कि पाप का घड़ा एक दिन भरता है तो फूट जाता है, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि भाजपा का जो पाप का घड़ा कब का भर चुका है, ओवरफ्लो हो रहा है, बस उसके फूटने का इंतजार है। देखते हैं कि कब हमारे देश की जनता, खास करके मूल निवासी बहुजन जनता जागती है और भाजपा के इस भरे हुए और ओवरफ्लो घड़े को फोड़ती है।